हेलो एवरीवन, दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 3 एलपीजी पॉलिसी। एंड इन दिस वीडियो वी कवर द रिमेनिंग टू टॉपिक्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वी कवर द लिबरलाइजेशन इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, मीन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि आप लोग समझते हैं प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ें प्राइवेट हाथों में होना, प्राइवेट पर्सन के हाथों में होना, निजी हाथों में होना। सो एट द टाइम ऑफ 1991 व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट अनाउंस बाय द गवर्नमेंट देन दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज 17 इंडस्ट्रीज आर अंडर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, फुल्ली अंडर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन फुलफिल इन 1991, देन ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर रिमेनिंग इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिमेनिंग 14 इंडस्ट्रीज आर गवर्नमेंट गिव्स ऑन फ्री हैंड इन मार्केट ऑन टू प्राइवेट पर्सन्स। मतलब 1991 में, 1991 में जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, उस वक्त ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो की थी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, हम पहली वाली इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, 40+ मिनट का वीडियो है, मोर देन 40 मिनट का वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो चीज़ें पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी, अब वो गवर्नमेंट उनको फ्री हैंड कर दे, गवर्नमेंट उन पर से अपना कंट्रोल हटा दे। आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट उन पर से अपना कंट्रोल हटा दे, यानी कि ये चीज़ें प्राइवेट हाथों में आ जाएं। अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब जो इंडस्ट्रीज़ पहले अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल थी अब प्राइवेट पर्सनस को क्यों दी जा रही हैं। भाई सीधा सा सिंपल सा फंडा है, सीधा सा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि वो कंट्रीज़ बहुत लंबे टाइम से लॉस में चल रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं अंडर गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी वो, इसी वजह से लगातार हमें नुकसान हो रहा था गवर्नमेंट को और इकोनॉमी का बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। सो गवर्नमेंट ने देखा कि जब लंबे टाइम तक कंपनियां लॉस में चल रही हैं तो इनको अब ज़्यादा लंबे समय तक खींच पाना या रन कर पाना बहुत मुश्किल है, तब वो कंपनियां गवर्नमेंट को लगा कि प्राइवेट पर्सन ही इनको चला सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग इतनी हीलावाली करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी वर्क करते हैं और भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं उसमें है। सो वो लोग केवल अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पॉकेट के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो कंपनियाँ घाटे में चल रही थी, लॉस में चल रही थी। अब उन कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज, 17 इंडस्ट्रीज इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो कि अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब उन्होंने क्या किया कि ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ आर टेकन गवर्नमेंट, यानी कि ओनली केवल 3 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और रिमेनिंग 14 इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दी, प्राइवेट पर्सन्स के हाथों में दे दी, वहाँ उनको सेल आउट कर दिया और प्राइवेट पर्सन्स को उनके राइट दे दिए। अब प्राइवेट पर्सन आप समझ सकते हो कि कोई अगर व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, वो लंबे टाइम तक लॉस बियर नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ऐसे करेगा या जहाँ वो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की साइड से हो या वो टेक्नोलॉजी की साइड से हो, किसी भी साइड से प्रॉब्लम हो, उसको ख़त्म कर ही देगा, शॉर्ट आउट कर देगा। अगर एम्प्लॉय भी काम नहीं कर रहा है तो निकाल देगा, कोई लंबे टाइम तक लॉस बियर नहीं कर सकता। सो बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स रेफर टू ओनरशिप, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट आप समझते हैं, एंड कंट्रोल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो किसको दे दिया गया, एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशन एम्प्लॉयज ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बोला यहाँ पर, प्राइवेटाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का ग्रेटर रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओवर द ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिलेटेड इट्स स्टेक, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे IPCL है, IBP है या मारुति उद्योग हैं, इस टाइप की जो कंपनियाँ हैं ये पहले गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, अब इनको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है, पार्शियली और फुल्ली, ये आप ध्यान रखना, आप यूँ नहीं कह सकते कि फुल्ली प्राइवेट कर दिया गया, पार्शियली और
फुल्ली, ओके। सो इस टाइप से एग्जांपल है प्राइवेट सेक्टर के। तो जो कंपनी अंडर गवर्नमेंट थी वो लंबे टाइम से लॉस में चल रही थी, और वहाँ से या जिस रेशियो में प्रॉफिट आना चाहिए उस रेशियो में प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था, उस वजह से गवर्नमेंट ने वो क्या कर दी, पार्शियली या फुल्ली प्राइवेट कर दी, उनकी शेयर्स प्राइवेट पर्सन्स के हाथों में दे दिए, या कह सकते हैं मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में दे दिया। अब आप देख सकते हैं IPCL की बात की गई है, या IBP की बात की गई है, मारुति उद्योग की बात की गई है, अपने आप में आज के दिन में बहुत बड़े ब्रांड हैं, में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनका जो टर्नओवर है बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त ये सब लॉस में चल रही थी क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। अब बात कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसके जो ओनरशिप के राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि जो उसकी ओनरशिप है या उसका जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, उनको गवर्नमेंट से कहाँ दे दिया जाए, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से कहाँ दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में। तो पहला तरीका तो ये हो गया। एंड सेकेंड वे द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो PSUs हैं, बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ इक्विटी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उनके पार्ट सेल किए गए, पार्शियल और फुल्ली, तो यहाँ उनके उनको सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSUs द पब्लिक इज दिस नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि गवर्नमेंट इसको क्या करती है, उनके पार्शियली या फुल्ली शेयर्स को, या उनके कह सकते हैं उनकी हिस्सेदारी सेल कर देती है प्राइवेट पर्सन को। तो एक तरीके से हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देना, जो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, कम कर दिए। कैसे, अपने असेट्स कह सकते हैं, अपने असेट्स सेल करके, ठीक है। तो ये अपने राइट्स रिड्यूस कर दिए वहाँ पे, अब प्राइवेट पर्सन के हाथ में उनके भी अपने राइट्स हैं वहाँ, क्योंकि उन्होंने उसको परचेस किया है। द पर्पज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज मेनली इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब आप समझते हैं इसका पर्पज़ क्या है। इसका मेनली पर्पज़ है जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना, या हमारी जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे एक अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट गेन करना, और उससे हमारी इकोनॉमी को फिर से क्या मिलने वाला है, रेवेन्यू मिलने वाला है, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन देगी, तरक्की करेगी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी, ठीक है। तो आफ्टर ऑल रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसी की हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत है, और वो यहाँ भी वर्क करेगी और आउट ऑफ कंट्री भी वर्क करेगी, जिससे कि एक अच्छे लेवल पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और जिसका कि फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। पढ़ लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज विल हेल्प द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs। देखो इन्होंने क्लियर बोल दिया, जो प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव कर रही है परफॉर्मेंस किसकी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो आप सब समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंट्रोड्यूस करना। समझ लीजिए, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंट्रोड्यूस करना। अब इसमें आप कैसे करेंगे, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी है और अब वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारी कंपनियां हमारे देश के बाहर जाके वर्क करेंगी और बाहर की कंपनी हमारे देश में आके बिजनेस करेंगी, ओके, या साथ में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इसका सभी को फ़ायदा मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, आइडियाज़ ट्रांसफ़र होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, बेटर क्वालिटी के चीपर गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलेंगे, ओके, ये हमारे पास हैं तो हम दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी की गुड्स हैं, या हमारे पास बेटर सर्विसेज हैं, हमारे पास इनोवेशन न्यू आइडियाज टेक्निक्स हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको अदर कंट्रीज़ को दे भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सबको मिला, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ग्लोबलाइजेशन में नुकसान भी हुआ। आप समझना, मैं वहीं पर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको शायद ध्यान होगा, इसे एक वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने रिज़र्व किए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए गुड्स। ध्यान दें मेरी बात पर, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए गुड्स रिज़र्व किए थे। वो क्यों रिज़र्व किए थे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती, वो कॉम्पिटिशन में बाहर हो जाएंगी। लिहाजा
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने रूरल एरिया में इस्टेब्लिश कराई थी, यानी कि ओवरऑल रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, यानी कि इसकी ज़रूरत थी, वाकई ज़रूरत थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, जैसा कि देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन कमज़ोर था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो वहाँ वहाँ गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री की, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आउट ऑफ इंडिया की, उन उन दोनों में कौन कमज़ोर होगा? अगर हमारे यहाँ की ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अभी तक अच्छी नहीं थी, तो हमारे यहाँ की जो होम इंडस्ट्रीज़ हैं या होम कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास, वर्ल्ड की कंपनियों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और फास्ट टेक्नोलॉजी है, उससे उनके गुड्स चीपर प्राइस में, बेटर क्वालिटी के गुड्स हमें प्रोवाइड करा रही हैं। तो ओवरऑल जो SSI के साथ किया था गवर्नमेंट को, यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट के हाथ में राइट्स इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसका नुकसान किसको होगा? हमारे देश की कंपनियों को। लेकिन एक फ़ायदा भी है, कंपनी को कंपटीशन मिलेगा और प्राइवेट पर्सन कंपटीशन को फेस कर सकता है, और वो डे बाय डे अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और इम्प्रूव भी करेगा। तो ऐसा हुआ भी, ठीक है, ऐसा हुआ भी। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। अब ये बैरियर्स कौन से थे? ये बैरियर्स वही थे गवर्नमेंट ने पहले लगा रखे थे, जैसे बताओ, कोटा पॉलिसी लगा रखी थी और टैरिफ लगा रखा था। ध्यान होगा आपको, पहले क्या लगा रखा था? टैरिफ, जैसे कि अगर हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो महंगी इम्पोर्ट होगी, वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था टैरिफ, और कोटा लगा रखा था, यानी कि मैक्सिमम लिमिट तक आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या है, हमको वो सब रिमूव करने होंगे, सब हटाने होंगे, टैरिफ और कोटा। तो इसमें भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनको रिड्यूस करेगी। और ऐसा सब क्यों हो रहा है, आपको एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूँ, ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से और IMF से लोन लिया है, और उस लोन के बदले में उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप LPG पॉलिसी को फॉलो कीजिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा लिबरल बनाइए, थोड़ा सा ग्लोबल बनाइए और थोड़ा सा प्राइवेट बनाइए। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेटिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि अपने यहाँ की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट कराना, साथ में बिजनेस करना, ये इसका बेसिक मीन्स होता है ना। हाउएवर इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेन, इट इज़ अन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज एट एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवार्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक सोशल जोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसमें बहुत सारे नेटवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल इकोनॉमिक और जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि कहीं भी हमारे सामने बॉर्डर नहीं है, बैरियर नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है, तो हम कहीं भी ग्लोबलाइजेशन में किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी इकोनॉमी में जाके, किसी भी मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हैं। चेंज मेड बाई ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, अब ये इंपॉर्टेंट है समझना है कि ग्लोबलाइजेशन जो हमने अडॉप्ट किया उनका इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड स्पेसिफाइड हाई टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इससे क्या होगा, हम नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, और तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑटोमेटिक परमिशन दे दी, यानी कि पहले से बोल दिया कि आप 51% तक फॉरेन इक्विटी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो 51% तक हो सकता है। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, मैं आपको रिवाइज करा दूं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, FII एंड FDI। तो FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कोई थर्ड पार्टी है, समझ लेना FII और FDI में डिफरेंस। जो FII है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल का मतलब संस्थागत, कोई ना कोई इसमें थर्ड पार्टी है जो जिम्मेदार है, यानी कि अगर कोई विदेश की कंपनी ABC है और इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और वो FII के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उसकी जिम्मेदारी वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लेगा। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर वो कुछ फ्रॉड करती है तो FII जिम्मे से हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी,
हम वहां से उस पर शिकंजा कस सकते हैं। लेकिन जब बात की जाए एफडीआई की, तो एफडीआई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी वो नहीं है। यानी अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिम्मेदार नहीं हो सकते। अगर वो कंपनी अपने फ्रॉड से, इन द सेंस वो कंपनी अपने राइट्स ले लेती है या पीछे हट जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, या कभी भी कोई ऐसा डिसीजन लेती है जिससे हमारी जो देश में कंपनी काम कर रही है उसको नुकसान होता है, तो हम बहुत हद तक उस पर दबाव नहीं बना सकते क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ कोई भी बीच में इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 51% तक एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट की परमिशन थी। और अब तक जो देखा जा रहा था कि एफडीआई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में सिंगापुर से हो रहा था। ठीक है, एफडीआई में सबसे ज़्यादा एफडीआई के थ्रू, एफडीआई में नहीं, एफडीआई के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो हमारे यहाँ सिंगापुर से आ रहा था। ठीक है, ओके। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू ए सम ऑफ रुपीज़ ऑफ 1 करोड़। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और दे दी गई, आपको अगर 1 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स यानी कि विदेशी टेक्नोलॉजी के एग्रीमेंट के साथ अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ रुपये तक का, 1 करोड़ रुपीज़ तक का, तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली परमिशन प्रोवाइडेड है। नो परमिशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड, ये समझना इंपॉर्टेंट है। नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्निक्स, कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई फॉरेन टेक्निक्स हायर कर रहे हैं। एंड अपनी कोई टेक्नोलॉजी किसी अदर देश में टेस्ट कर रहे हैं आप, या उस वहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते वो पॉजिटिवली होने चाहिए, फेयर वे में होने चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट इंडियन करेंसी रुपीज़, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ जाता है 1 मार्क्स में 1991 में जुलाई में, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने एप्लीकेबल किया था या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एप्लीकेबल की थी, तब हमने 20% अपनी करेंसी को डाउन किया था इंटरनेशनल मार्केट के रेस्पेक्ट में। समझना मेरी बात को, हमने अपनी इकोनॉमी को 20% डाउन किया था। इसका फ़ायदा क्या होगा ध्यान से समझना, अगर हम अपनी इकोनॉमी को कमज़ोर करते हैं खुद से, अगर हम अपनी इकोनॉमी को खुद से कमज़ोर करते हैं तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। कह सकते हैं अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट तो हो जाएंगे महंगे, है ना, कॉस्टली हो जाएंगे। कैसे, अगर हम अभी कोई चीज़ 100 रुपीज़ की परचेज़ कर रहे हैं और हमने अपनी इकोनॉमी को 20% डाउन कर दिया, अब हमें सेम आइटम के लिए, मान के चलो हमारा कोई आर्टिकल है ए, अभी हम उसको 100 रुपीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से या किसी भी कंट्री से, और अगर हमने अपनी इकोनॉमी को, हमारी गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को 20% क्या कर दिया, डाउन कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो अब जो हमारा 100 रुपीज़ था अब वो 100 नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज में। अब हमें उस जो आर्टिकल ए था 100 रुपीज़ में इंपोर्ट कर रहे थे, अब उस ए आर्टिकल के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, +20%, यानी कि 120 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट्स कैसा हो गया, महंगा हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे फ़ायदा क्या कर लिया गवर्नमेंट ने, मान के चलो जो ए प्रोडक्ट था अभी तक हम उसको 100 रुपीज़ में परचेस कर पा रहे थे, अब 120 में परचेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने फ़ायदा क्या कर लिया। एक्चुअल में यहाँ बात हम करेंगे एक्सपोर्ट की, यहाँ एक्सपोर्ट में फ़ायदा है हमारा। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अपोजिट हो गया यहाँ पे, यानी कि एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो गए, इम्पोर्ट हमारे महंगे हो गए, और एक्सपोर्ट क्या हो गए हमारे चीपर हो गए। कैसे, अगर कोई आर्टिकल है बी, कोई आर्टिकल है बी या कोई गुड्स है जिसका नाम बी है, अभी तक हम हमसे मान के चलो अमेरिका परचेज कर रहा था, यानी कि हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, अब 20 रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई, तो हम उसका 100 रुपीज़ का 20% कम करके उससे पेमेंट लेंगे, यानी कि 80 रुपीज़ का। फिर से समझना, जो प्रोडक्ट अभी हम 100 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, अब उस प्रोडक्ट को हम कितने रुपीज़ का सेल करेंगे अमेरिका को, 80 रुपीज़ का। आप कहेंगे यहाँ भी क्या फ़ायदा कर लिया, यहाँ भी 20 रुपीज़ का लेस है, 20 रुपीज़ का लॉस है। एक्चुअल में यहाँ फ़ायदा हमें फॉरेन एक्सचेंज का हुआ, अब हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से क्या होगा,
बताओ, एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से ओवरऑल हमारे पब्लिक को, हमारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, और वो एम्प्लॉयमेंट का फ्लो लास्ट तक जाता है, यानी कि सैलरी पर्सन को सैलरी मिलेगी, वेजेस पर्सन को वेजेस मिलेगी, अदर पर्सन को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ वर्क करने लगेंगी, तो हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। कुछ दिन पहले चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी को खुद से डिवेल्यूएट किया था। अब बताइए, इतना डेवलप कंट्री है, इतना पावरफुल कंट्री है, और एक्सपोर्ट में तो उसका कोई कह सकते हैं कॉम्पिटिटर ही नहीं है, फिर भी उसने अपनी इकोनॉमी को डाउन किया था। क्यों? क्योंकि ये सब मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, न्यू 5 ईयर एक्सपोर्ट प्लान था, जो मतलब 5 ईयर पॉलिसी थी, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी 1992 से 1997 को, ध्यान से समझना। जो 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो उसमें 5 ईयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी 1992 से 1997 से। तो इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अच्छा स्टेबल किया था ग्लोबलाइजेशन के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। इस पॉलिसी में क्या हुआ कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत हद तक रिमूव हो गए और कंट्रोल में आ गए, और इस सबसे क्या फ़ायदा हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इम्प्रूवमेंट मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इंडियन इकोनॉमी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, द गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। जब हम बात एक्सपोर्ट की कर रहे थे, हमने अपने 20% करेंसी को डिवेल्यूएट किया था एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए। तो अब यहाँ गवर्नमेंट ने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, जो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी एक्सपोर्ट पे, वो भी बहुत कम कर दी। 250% तक कस्टम ड्यूटी लगती थी, समझना, 250% तक कस्टम ड्यूटी लगती थी, इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रिवेन्यू मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट ने उसे क्या किया, 10% तक ले आए, 250% से कम करके 10% तक ले आए। ठीक है, कब, 2007-8 के बजट में। इस सबसे क्या हुआ, चीज़ें एक्सपोर्ट और सस्ती, मतलब एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से और सस्ता हो गया, तो फॉरेन कंट्रीज से हमें क्या मिलने लगा, ऑर्डर मिलने लगे। ऑर्डर मिलने लगे तो उससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करने लगी। आपको बेसिकली पता होगा कि हमारे यहाँ से क्या 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 ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है, होता है। देखिए, हैंडीक्राफ्ट है, फूडिंग आइटम्स हैं, क्लॉथ्स हैं, ठीक है, एंटिक आइटम्स हैं, लेदर आइटम है। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात तो हम नहीं करेंगे, ऑटोमोबाइल की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इनको खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फूडिंग आइटम है, तो फूडिंग आइटम का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स भी हैं, और हैंडीक्राफ्ट तो है ही हैं, स्पाइसेस मसाले हैं, और एंटिक पीस हैं, और कह सकते हैं कि कांच के बने हुए आइटम बहुत एक्सपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ से। और दूसरा, कपड़े का काम बहुत हो गया है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे पैमाने पे, स्केल पे कपड़ों का काम शुरू हो गया इंडिया में। आप कह सकते हैं आपके आस पास में सबसे अच्छी कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो गुरुग्राम में है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है बहुत, वहाँ पे सैकड़ों कंपनियाँ ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट का ही वर्क करती हैं, जो उस क्वालिटी का कपड़ा बनाती हैं जो एक्सपोर्ट होता है। कपड़ा बनाने से इन द सेंस, वहाँ कपड़े की सिलाई होती है, रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं, तो वो इस तरीके से बहुत एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा मिला है इससे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश भी हुई। अब ग्लोबलाइजेशन से केवल फ़ायदे नहीं मिले, कुछ नुकसान भी मिले, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में इंडिया में आई, तो जो इंडियाई कंपनियाँ थी वो कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो बात करते हैं इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के। तो हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स के, हमको पॉजिटिवली रहना चाहिए, तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स के। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए ग्लोबलाइजेशन के। आज जिस लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट ना करते तो शायद इस लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी ना होती। ओके, शायद मैं भी आपको ऑनलाइन इस तरीके से ना पढ़ा पा रहा होता, होता तो बहुत कॉस्टली होता, शायद हम और हमारी और आपकी पॉकेट के पॉकेट से बाहर होता इस टाइम पे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से हम बात करें फेवर की, तो फेवर में हमारी ग्लोबल है मार्केट में एक्सेस हो गई, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहुंच हो गई, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करने को मिली, बहुत सही भी है, टेक्नोलॉजी तो हमें बहुत मिली, एंड फ्यूचर के लिए हमें बेटर प्लान मिले,
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और हमें अगर हमारे पास कुछ इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है या एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, तो वो सारे हमें कह सकते हैं प्लेटफॉर्म मिले। ओके, तो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन से हमें ये फ़ायदे हुए। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर मोर टू डेवलप कंट्रीज एज दे एबल टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज़। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि हमने अदर कंट्रीज़ में अपनी मार्केट को इस्टेब्लिश कर दिया, जिससे कि वहाँ की जो लोकल की कंट्रियाँ थी, वो क्या लोकल की जो कंपनियाँ थी, वो उन्होंने लॉस बियर करना शुरू कर दिया, वो लॉस में चलने लगी। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि वेलफेयर कहीं ना कहीं खो गया। फॉरेन कंपनीज़ हैं वो वेलफेयर पे शायद काम नहीं कर रही हैं, ध्यान नहीं दे रही हैं। अब जैसे आप प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में जो COVID-19 कोरोना की पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें इंडिया में देखा जाए तो जो इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने वाकई डोनेशन दिया है। किसी ने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं कंपनी ने, तो किसी ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को कैश प्रोवाइड कराया है, कैश कैश दिया है, तो उस सब से हमें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ की, तो उन्होंने वेलफेयर के नाम पर शायद ही कुछ काम किया हो। अपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में या टेलीकॉम में, या बात करें तो ऑनलाइन अमेज़ॉन जैसी कंपनियाँ हैं, ऑनलाइन सेलिंग मार्केट है इनके, सेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो इन सब कंपनियों से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं हमें वेलफेयर के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हालांकि ये कंपनियाँ इंडिया में आ रही हैं और यहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं और यहाँ से अपना एक प्रॉफिट ले भी जा रही हैं, तो उनका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये व्यावहारिकता भी है कि आप जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है, वहाँ आप अगर आप सोशल वेलफेयर का काम करें तो या वेलफेयर का काम करें तो करना चाहिए, क्योंकि आपको आफ्टरऑल इनकम वहीं से हुई है। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ये कहीं खो जाता है, और कंपनियाँ फॉरेन कंपनी अपने फ़ायदे की बात करती हैं। तो ये था हमारा प्रायोरिटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। इस वीडियो के चैप्टर से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरी हैं तो आप मेरे साथ पर्सनली मैसेजिंग में और कॉल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।